नारों की गूंज में अपने कायद इब्ने कायद फकीर इब्ने फकीर फजीलत शेख हजरतुल अल्लाम मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो इस वक्त ऑनलाइन खिताब करेंगे, मैं आपके नारों की गूंज में उनको वेलकम करने जा रहा हूं। मेरे साथ अपने पूरे जोर ईमानी और गले के जोर के साथ नारा लगाएं, नारा तकबीर। नहीं नहीं, मुझसे तेज आवाज निकालो, नारा तकबीर। मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर, ये लेने आवाज बढ़ाएं भाई, ये छोटे वाले, ये आवाज ले आओ ना। जी जी शेख, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सआदत और एहसास की बात है कि आज अल्लाह ताला के फजल करम से आज हदीस के तबीब उशान इज्तिमा जिसमें बीसियों की तादाद में जय्यद उलमा और हजारों की तादाद में मुहिब्बाने सहाबा मौजूद है, मैं अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के सामने होश खुदा करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मत मुस्लिमा का ये वादे अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने रूह जमीन सबसे बुलंद मुकाम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है और हमारा ये भी अकीदा है कि जिस चीज की निस्बत आपके साथ है उसका भी मुकाम इंतहा बुलंद है। चुनाचे हमारा ये अकीदा है कि हजरत रसूलुल्लाह का मक्का आला, आपका मदीना आला और आपका अहद आला है। खुद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर का ऐलान फरमा दिया, लोग मेरे जमाने के लोग हैं, फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने उनसे मुलाकात की और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने उनसे मुलाकात की। आज हम अल्लाह ताला के फज़्ल करम से किताब और सुन्नत से अगर आज रहनुमाई हासिल करते हैं तो उसकी वजह यह है कि उन जलाल से अब तक मुंतकिल हुआ है जिनकी सदाकत में, जिनकी इमारत और खरत में, जिनके हिस्स में, जिनके तकवा में, जिनकी इस्लामियत में किसी किस्म का कोई शक नहीं। मैं इस मौके पर इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूँ कि बात को आज सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की हुरमत पे हमला करके और उनकी तकफीर करके जो मुआशरे के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से दीगर मसालिक के ताबरीन के साथ साथ उलमाए अहले हदीस उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा ये मौका बदल और वादे है कि मुल्क के अंदर फिरका वराना आमदी को बरकरार रखने के लिए और मुल्क को फसाद से बचाने के लिए अजमत सहाबा के पास किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता, मजहबी आजादी का कोई तस्वर ऐसा नहीं और मजहबी रोजाना को वादे करने का कोई नजरिया ऐसा नहीं जिसके अंदर मुकदसात की तो ही उनकी इजाजत हो। अगर हम तहदीबों के तकादुम को रोकने के लिए हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को रोकने की बात करते हैं तो मसालिक के दरमियान कशीदगी और फिरका वराना मुनाफरत को रोकने के लिए हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की भी इज्जत करना होगी। चुनांचे हमारा मौका बिल्कुल वादे है हजरत सिद्दीक की अजमत पर, हजरत फारूक की अजमत पर, हजरत उस्मान अली, हजरत हसनैन करीम है और हजरत अमीर मुआविया रिज़वानुल्लाह अलैहिम की अजमत के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। पंजाब असेंबली के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ ए बुनियाद इस तरह बिल को पेश किया गया था उसका भी बुनियादी तौर पर यही मकसद था कि मुल्क के अंदर फिरका वराना आमदनी को बरकरार रखा जाए। मैं उलमा अहले हदीस के जिस जमात के अंदर अहले हदीस जमात के सामने इस बात को बरमदा तौर पर बयान कर देना चाहता हूँ कि यही सस्ता आपका पूरे बुनियाद इस्लाम बिल को फकत पंजाब के अंदर राज नहीं करवाएंगे बल्कि पूरे मुल्क में इसको कानून बना के छोड़ेंगे। मुझे ये बात बताइए कि आपका मुंह से सहाबा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, हाथों से हाथ मिलाकर, आवाज से
आवाज मिलाकर मैदान अमल में आने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। क्या आप उलमा को साथ देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। क्या आप जो है हजरत हजरत साहबा इकराम ने दुआ अल्लाह ने मजमाई की और अमीरा जमात को हासिल करने करने वालों का नाम का रोकने के लिए तैयार है इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। दूर नहीं शर्त वगैरह हो गया है चलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।